Faridabad Industries Association and Chief Minister's Good Governance Associates Program presents Board Results Improvement Program with Star Teachers of Faridabad. Line Anuvanshikta एवं चय विकास बोर्ड एग्जाम में ये चैप्टर 4 मार्क्स का आता है और ये 4 मार्क्स कलेक्ट करने बड़ा ही इजी है, बहुत आसान सा चैप्टर है, लिमिटेड क्वेश्चंस हैं। अगर वो क्वेश्चंस आप एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो श्योरली आप ये 4 नंबर ले पाएंगे। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें जानना होगा कुछ डेफिनेशंस हैं, उन डेफिनेशंस को हम एक बार समझेंगे ताकि चैप्टर में आसानी से समझ में आ जाए। जैसा कि चैप्टर का नाम है आनुवंशिकता एवं जैव विकास, तो पहला शब्द है आनुवंशिकता की आनुवंशिकता क्या होती है, हमें आनुवंशिकता के बारे में पता होना चाहिए। बड़ा आसान सा है, पैतृक गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना आनुवंशिकता कहलाता है। कि कोई भी करेक्टर्स है हमारे हमारे बच्चे हो जाए, हमारे पेरेंट्स जो थे वो करेक्टर्स हमारे अंदर आए, ये आनुवंशिकता कहलाता है। दूसरा है आनुवंशिकी। आनुवंशिकी क्या होता है? आनुवंशिकी विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवंशिकता के बारे में पढ़ाया जाए उसे आनुवंशिकी कहते हैं। कि आनुवंशिकता क्या होती है, उसके क्या क्या करेक्टर्स है वो भी पढ़ा जाए, वो आनुवंशिकी कहलाता है। अब आनुवंशिकता और आनुवंशिकी से संबंधित एक एक नंबर के क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं जो कि बेहद ही आसान है। आनुवंशिकी का जनक ग्रीगर जॉन मेंडल, ये वैज्ञानिक का नाम है ग्रीगर जॉन मेंडल, उन्हें आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। और उन्होंने मटर के पौधे में अपनी पढ़ाई की थी। ये जानना बड़ा अहम होगा कि ग्रीगर जॉन मेंडल एक पादरी थे चर्च में, विज्ञान से उनका कोई लेना देना नहीं था, वैज्ञानिक भी नहीं थे। जिस चर्च पे वो रहते थे वहां पे काफी खाली जगह पड़ी थी, तो उन्होंने ऐसे ही मटर के पौधे लिए, बीज लिए और अपने आंगन में बो दिए। और जब मटर के पौधे बड़े हुए तो उसमें विलक्षण अलग अलग लक्षण पैदा हुए, तो उसने देखा, अलग अलग लक्षणों के बारे में पढ़ाई करी, तो सारी जितनी उसकी खोज थी उन्होंने उनको नोट डाउन किया। मटर के पौधे के 7 गुण मेंडल ने पढ़े, ये एग्जाम में पूछा जाता है। आनुवंशिकी का फादर या जनक किसे कहा जाता है, उन्होंने किस पौधे पे अपनी खोज करी और कितने गुण उन्होंने मटर के पौधे में पढ़े, ये क्वेश्चन भी आता है, कितने गुणों के बारे में पढ़ाई करी। मंडल ने मटर के 7 लक्षणों या गुणों के, उनका धन के गुणों के बारे में पढ़ा। अब आनुवंशिकता हमारे समझ में आया, आनुवंशिकी समझ में आया, जनक के बारे में पता चला। दूसरा पहलू है इसका जैव विकास। समझते कि जैव विकास क्या होता है। बात करते हैं जैव विकास की, इंग्लिश में कहते हैं इवोल्यूशन। जैव विकास एक प्रक्रिया होती है जिसमें आज जो उपस्थित पेड़ पौधे हैं या जीव जंतु हैं इन्हें एडवांस कहा जाता है, और इनका विकास जिन निम्न स्तर के या कम विकसित जीवों से या पेड़ पौधों से हुआ है, ये सब इवोल्यूशन में पढ़े जाते हैं, इवोल्यूशन कहा जाता है इसको। तो कैसे जीव विकसित हुए, जीवों का विकास कैसे हुआ, ये जैव विकास के बारे में हम पढ़ेंगे। इसी में पूछा जाता है, वनवास से क्वेश्चन पूछा जाता है, आता है
कि F1 संस्थिति या F1 पीढ़ी क्या है। लैंगिक जनन जब होता है उसके पश्चात जो पहली पीढ़ी पैदा होती है उसे F1 संतति कहते हैं। समझना बड़ा आसान सा है कि माता पिता है, माता पिता से जो उनकी संतान पैदा हुई तो वो पहली पीढ़ी कहलाएगी, और जो बच्चों की शादी होगी उनकी संतान पैदा होगी वो दूसरी पीढ़ी कहा जाएगी। तो बड़ा सिंपल है, समझना इसको। ये था F1 संतति। आगे है F2 पीढ़ी या संतति। लैंगिक जनन के दौरान पैदा हुई दूसरी पीढ़ी को F1 संतति कहते हैं। और मार्क्स क्वेश्चन में आता है कि संतति क्या है, F1 संतति, F2 संतति क्या है। तो पहली पीढ़ी जो पैदा हुई F1 संतति, दूसरी पीढ़ी हुई उसको F2 संतति कहते हैं।